हेलो एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आई मैं समर स्पेशल में आलिया भट्ट का फेवरेट और वेट लॉस रायता, बीटरूट का रायता। है ना कुछ डिफरेंट सा। पहले भी मैंने काफी तरह के रायते शेयर किए हैं जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाते हैं। मैंने रखी है गैस पे कढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली करीबन 1/4 कप और उसको लगातार चलाते हुए आपको भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये रेसिपी जो है वेट लॉस रेसिपी है, ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, इसको लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए मूंगफलियाँ हमारी चटक रही है, आपको चटकने की आवाज़ भी आ रही होगी। जब चटकने लगती है तो इसका मतलब होता है हमारी मूंगफली भून चुकी है, तो अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी मूंगफली ठंडी होती है, ये लिया है मैंने चुकंदर, कहीं कहीं इसको बीटरूट भी कहते हैं, वही है ये। इसको सैलेड के रूप में यूज किया जाता है। आज मैं बना रही हूँ रायता, तो जिस रायते में मैं जितना पीस चाहिए तो बस उतना ही मैं थोड़ा रायता बना रही हूँ, तो हाफ पीस मैं ले लूंगी इसको और उसको छील लेंगे। इसमें भरपूर मात्रा में हेल्थी होते है ये, जिनको हेमोग्लोबिन कम होता है वो भी इसको बहुत खाते हैं। हेल्थी और टेस्टी दोनों है। इसको सलाद के रूप में भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारे ड्रिंक्स बनती है उसमें भी यूज़ करते हैं इसको। ये देखिए मैंने छील लिया है ये, और इसको कद्दूकस करेंगे। तो ये बड़े वाले पार्ट से मैं इस तरह से, ये देखिए, इसको कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं। देखिए मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसको इस तरह से मैश करके इनके छिलके निकाल देने हैं। तो हाथों की मदद से आप मसलेंगे ना इस तरह से, तो इसके सारे छिलके निकल जाएंगे। ये देखिए मूंगफली के छिलके निकल गए हैं। ये लिया मैंने कूटने वाला, आप चाहे तो इसको मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर इसी से ये हो जाता है। इससे ऐसे तरह से हमें दरदरा कूट लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें दरदरा कूटी हुई मूंगफली चाहिए, बहुत पाउडर बेस्ड नहीं चाहिए। ये मूंगफली हमारी कूट के तैयार है। ये लिया मैंने दही, तो दही को सबसे पहले मैश कर लेंगे इस तरह से। ये फ्रेश दही लीजिएगा, खट्टा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरह से मैश करेंगे ना तो आपको बिल्कुल गांठें नहीं बनेंगी। इस तरह से देखिए मैं दही को एकदम देसी स्टाइल से मैश कर रही हूँ। ये टोटल एक वेट लॉस रेसिपी है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी इसको खा सकते हैं, टेस्टी और हेल्थी ये दोनों है। ये देखिए हमारा दही मैश हो चुका है। बर्तन में आपको रायता सर्व करना, उसमें आप दही को ट्रांसफर कर दीजिए। ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें दही। अब इसमें हम डालेंगे बाकी का सामान, जो अपनी मूंगफली कूट के रखी थी वो भी इसमें मिला देंगे। ये देखिए इसमें डाल दूंगी मूंगफली। अब इसमें डालेंगे बीटरूट जो हमने कद्दूकस किया है, ये देखिए 1 चम्मच भर के। और इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, तो मसाले इसमें ज़्यादा नहीं यूज़ होंगे। अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी कूटी हुई काली मिर्च और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। और इसमें डालेंगे थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते, ये देखिए। और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बीटरूट और सारे मसाले हमारे रायते के अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम तड़का। मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे राई, मस्टर्ड सीड वो, और थोड़े से करी लीव्स। तो करी लीव्स थोड़े संभाल के डालेगा, चटकते हैं बहुत। ये देखिए अब इसके ऊपर लगा देंगे हम तड़का, ये देखिए इस तरह से। देखिए बीटरूट का रायता तुम्हारे खाने के लिए तैयार है। अब इसको मैं थोड़ा सा गार्निशिंग कर रही हूँ, वही बीटरूट जो कसा हुआ था थोड़ा सा बचा के रखा मैंने, उसको इस तरह से आप साइड में डेकोरेट कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, और टेस्टी सा हेल्थी सा हमारा बीटरूट का रायता बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। होप आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई होगी। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।